नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बेचारे मोदी जी, आज तो मुझे उनपे पार्लियामेंट में उनकी शक्ल देखकर बेचारे शर्म नजर आ रहा। नीतीश बाबू ने और चंद्रबाबू नायडू ने जो उनका हाल किया, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से बहुत नाराज है लोग। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव सिर पे थे, लोगों को लग रहा था पैसे की बरसात हो जाएगी। लेकिन पैसा तो तब करते ना जब नायडू और नीतीश छोड़ते, सरकार चलानी है तो इन दोनों को मनाना है। बातचीत की मैंने अभय दुबे जी से, रोड शो करता हूँ उनके साथ, जाने माने पत्रकार हैं, एबीपी चैनल पर आप देखते हैं। आज उन्होंने बजट को लेकर धज्जियां उड़ा दी है, कहा कि पहले साल में ही ऐसे दबाव में आ गए मोदी जी, पहले साल में इतने प्रेशर में आ गए, 5 साल कैसे चलाएंगे। और आज अभय जी ने कहा कि ये हालत ऐसी है कि दोनों दोनों को पता है, नीतीश को चंद्रबाबू नायडू को पता है कि मोदी जी की अब मजबूरी है, वो जो कहेंगे उसके सामने झुकना है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्यों को जितना सोचा गया था उसका कुछ भी पात्र नहीं मिला? क्या देश एक अलग मोड़ पे जा रहा है? बड़ी संख्या में अग्निवीर पैदा होंगे, उनका क्या होगा? बहुत शानदार बातचीत है, मैं ले चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बजट के बाद बड़ी बड़ी तीखी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि देश का बजट ही नहीं है, बजट तो केवल आंध्र प्रदेश और बिहार का है, केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है। और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये दो बैसाखियां इतनी बड़ी हैं कि मोदी जी का जैसा उदास चेहरा आज पार्लियामेंट में कल दिखाई दिया बजट के बाद, ऐसा उदास चेहरा रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों इतने हार्ड बार्गेनर हैं कि इनको छोड़ेंगे नहीं, हर बार इतनी इतनी डिमांड होती रहेगी, हर बार पूरी करते रहेंगे। क्या लग रहा है कि ये देश का बजट था, इन दोनों राज्यों का बजट था, और ये कब तक इनकी डिमांड पूरी करती रहेंगी? बाकी राज्यों से जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं वो भी जेन्यून है, और मैं तो हैरान हूँ कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, मुझे लग रहा है बम्बा होगा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हरियाणा में नहीं है, यूपी में नहीं है, ये बहुत असंतुलन वाला बजट है या बहुत बेहतरीन बजट है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब गठजोड़ सरकार बनी थी तो व्यंग से एक बात कही गई थी कि ये नीतीश देशम अलायंस है, एनडीए जो है वो नीतीश देशम अलायंस है। और पहली बार बजट में ये चीज साबित होते दिखी है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के पास अपनी सरकार गिरवी रख दी है। इससे पहले क्या था, 10 साल तक ये सरकार केवल जो कारपोरेट पूंजी के बड़े बड़े घराने हैं उनके हाथों, उनके पास गिरवी थी सरकार। वो क्यों गिरवी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, और अब नीतीश और नायडू के पास कैसे गिरवी है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और बहुत आसानी के साथ ये बातें समझी जा सकती हैं, केवल तथ्य और आंकड़ों से ये बातें समझी जा सकती हैं। कारपोरेट के पास क्यों गिरवी ये सरकार, इसका बताते हैं आपको। 2019 में मोदी जी ने कारपोरेट सेक्टर को एक टैक्स होलीडे दिया, वो टैक्स होलीडे 1,45,000 करोड़ का था। इसकी वजह से कारपोरेट के पास 2.5 लाख करोड़ उनकी जेब में एक्स्ट्रा अतिरिक्त पहुंचा। भारत के इतिहास में कभी किसी ने कारपोरेट पूंजी को इतना बड़ा टैक्स होलीडे नहीं दिया था। जब मोदी सरकार की इससे आलोचना हुई तो मोदी सरकार ने कहा साफ तौर पर कि इससे रोजगार बढ़ेंगे और ग्रोथ रेट में उछाल आएगा। आज जो आर्थिक सर्वे आया बजट से पहले, उसमें मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर रोजगार बढ़ाने में नाकाम रहा है, लेकिन लगातार उसको टैक्स में उसके लगातार कटौती की जाती रही। इस बजट में भी देखिए, इस बजट में मोदी सरकार की प्रत्यक्ष करों से आमदनी जो है वो है 19%, और कॉर्पोरेट टैक्स से जो मोदी सरकार की आमदनी है वो है 17%। यानी हमारी आपकी जेब से जो टैक्स जाता है वो ज्यादा है, और कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से जो टैक्स आता है वो कम है। ये इस बजट के, ताजे बजट के आंकड़े हैं, यानी 2019 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे और इस ताजे बजट के मैं आंकड़े रखता हूँ। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी सरकार पहले से ही कॉर्पोरेट घरानों की बंधक सरकार है, अपने आप को मॉर्गेज कर रखा है इसने वहां पर। अब इसके दो नए मालिक और आ गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार को बहुमत नहीं, मोदी जी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ अपने दम पर, और इन दोनों के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं लोकसभा की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन मोदी जी के पास 240 सीटें हैं,
इन दोनों के पास केवल 28 सीटें हैं, लेकिन इन दोनों का आचरण और जो बार्गेनिंग की ताकत है, सौदेबाजी की ताकत है, वो 280 सीटों के बराबर है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, लेकिन अब मेरे पास इस बात, पहले तो मैं कहता था तो लोग कह सकते थे कि भाई मोदी विरोधी लफाजी कर रहा है ये आदमी, लेकिन अब तो बिल्कुल सामने हमारे स्पष्ट है, आंध्र प्रदेश और बिहार को जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की मांगों के मुताबिक मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ रुपया दिया है। 59,000 करोड़ रुपए तो बिहार को दिया गया है, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती उड़ाने के लिए राहत दी गई है, रियायत दी गई है, आर्थिक सहायता दी गई है, और 60,000 करोड़ रुपए के वायदे पहले ही किए जा चुके हैं तेलुगु देशम से। तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने आज टीवी पर स्पष्ट रूप से कहा कि हमें केवल यही 15,000 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, 60,000 करोड़ रुपए का वायदा हमसे पहले किया जा चुका है। तो 75,000 करोड़ रुपए तो तेलुगु देशम को मिले, आंध्र प्रदेश को मिले, और 59,000 करोड़ रुपए बिहार को नीतीश कुमार को मिले। तो 1,30,000 करोड़ के आसपास इन दो प्रदेशों को दिया गया। अच्छा, ये तो पहली साल है और ये बजट केवल 8 महीने का है, जो वित्त वर्ष है उसमें केवल 8 महीने बाकी रह गए हैं। 8 महीने के लिए आपने 1,30,000 करोड़ रुपया दिया है, 4 महीने तो निकल चुके हैं। अब अगला बजट आएगा तो ये लोग फिर मांगेंगे और उनको फिर देना पड़ेगा। उस फिर अगर मोदी सरकार बची रही, इस बीच में एनडी सरकार बची रही, तो अगले साल फिर देना पड़ेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि ये अगर मोदी जी ने चुनाव जीत लिया होता ठीक से, उनके पास पूरा बहुमत होता 2019 या 2014 की तरीके से, तो हो सकता है बिहार और आंध्र प्रदेश की गुहार पर वो थोड़े बहुत पैसे उनको दे देते, रियायत दे देते, कुछ वायदा कर देते, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ दिए जा सकते थे, क्योंकि जरूरतमंद राज्यों की मदद करना केंद्र का फर्ज है। और मैं मानता हूं कि बिहार भी जरूरतमंद है, जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है बिहार की आमदनी बिल्कुल पूरी तरह ठप हो गई है, क्योंकि सारा तो खनिज और संपदा जो थी झारखंड में थी। इसी तरीके से तेलंगाना जब अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, और हैदराबाद भी चला गया उसके साथ में, जो साइबराबाद के इसको एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू ने बनाया था, तो उसके वहां भी समस्या है, राजधानी भी उनके पास नहीं है। दोनों प्रदेश जरूरतमंद है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, तो जरूरतमंद की मदद की जानी चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इन जरूरतमंदों के ऊपर ये जरूरतमंद मोदी सरकार की बैसाखी ना होते, तो करीबन मतलब 25,000-30,000 करोड़ रुपए इनके लिए खर्च कर देती मोदी, तब भी 1,00,000 करोड़ रुपए जो बचते उसे मोदी जी कहां कहां आवंटित कर सकते थे। तो सोचने की बात यह है कि वो जो 1,00,000 करोड़ रुपए बचते उसको मोदी जी कहां कहां आवंटित कर सकते थे। अब मैं आपको बताता हूं वो कहां आवंटित कर सकते थे। मोदी जी स्वास्थ्य के ऊपर से आवंटित कर सकते थे, स्वास्थ्य के ऊपर केवल 79,000 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है, जो पिछले साल से भी कम है। मोदी जी शिक्षा के ऊपर आवंटित करते थे, शिक्षा में केवल 1,25,000 करोड़ रुपए दिखाया गया है। और अगर एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक तैयार करना है जो ग्लोबल दौड़ में भारत की अगुवाई कर सके, तो उस पर पैसा खर्च करना भी जरूरी है। केवल ये तर्क देना कि स्वास्थ्य जो है वो राज्यों का विषय है और शिक्षा राज्यों का विषय है, केवल इस आधार पे तो आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, क्योंकि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी होती है तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्यों से कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपनी शिक्षा नीति बनाइए। किसी भी पार्टी की सरकार हो राज्य में, उसका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर वो बनाए। और तर्क ये है कि साहब शिक्षा जो है राज्यों का विषय है, राज्य तो अपने लिए अलग से शिक्षा नीति नहीं बनाते हैं। तो ये इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं, ये सब बेकार की दलीलें हैं। आप जरा से भी जांच पड़ताल करेंगे तो पता। अब अगर ये 1,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी को, नीतीश और नायडू को न देने पड़ते, तो मोदी जी वास्तव में अगर चाहते तो बेरोजगारी की समस्या को एक सीमा तक हल करने की तरफ जा सकते। मसलन मनरेगा है, मनरेगा पर मोदी जी ने 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। सवेरे से मैं बजट पे बहस कर रहा हूँ, ये सारे आंकड़े याद हो गए।
हाँ वही मैं देख रहा हूँ, सब रट गए हैं। मनरेगा पे 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये 86,000 करोड़ रुपए बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल सबसे पहले 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, फिर संशोधित अनुमान निकले जी रिवाइज एस्टीमेट में आया, उसमें 26,000 करोड़ रुपए और बचाए और बढ़ाया गया। यानी ये 86,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो पिछले साल के बजट के संशोधित अनुमानों की अनुमान जितनी है, लेकिन खर्च कितना हुआ पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए, यानी 1,00,000 करोड़ से जरा सा कम। भाई मनरेगा क्या है? वो तो ग्रामीण समाज को रोजगार देने का एक अस्थायी विधि है। तो जहां वहां जरूरत थी वहां भी आपने उसका आवंटन नहीं कर पाए, क्योंकि आपको उनको पैसे देने थे, अपनी बैसाखियों को संतुष्ट करना था। दूसरे, केंद्र सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग है, उसके जो मुखिया हैं विवेक देवराय, उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को सिफारिश दे रखी है, और उनकी सिफारिश अखबारों में भी छप चुकी है कि शहरी इलाकों में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए एक अर्बन मनरेगा चालू किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने इस सलाह को उन्हीं के सलाहकार ने दी है, एक काम से सुनकर दूसरे काम से निकाल दिया। तो अगर इनके पास पैसे होते तो ये अर्बन मनरेगा लागू करने की के बारे में सोच सकते थे। तो सारी जब निर्मला सीतारमन, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। तो सारी ताकत जो है केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को मैनेज करने में लग गई, तो बाकी को ध्यान नहीं आप नहीं। और ये स्थिति और उत्तरोत्तर बिगड़ती जाएगी, क्योंकि जब किसी के पास आपको ब्लैकमेल करने की क्षमता होती है तो करते ही जाता है। वो दोनों ही सॉफ्ट है, देखने में सॉफ्ट है। नीतीश कुमार को लगता है कि बीमार है, अभी वो गिर पड़ेंगे, किसी का पैर छूने के लिए झपट पड़ेंगे, मोदी जी का हाथ चूमने लगेंगे। नीतीश कुमार ये सब करते रहते हैं मंच पे, लेकिन उनकी बार्गेनिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। जो मन में आया वो लोकसभा में पूरे टिकट मोदी जी को देने पड़े, बेहतरीन उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करके अपनी ताकत भी दिखा दी, अच्छा प्रदर्शन किया जनता दल यूनाइटेड ने। हाँ, और इतना जबरदस्त पैकेज ले लिया, विशेष आर्थिक पैकेज ले लिया। और अब चंद्रबाबू नायडू को देखिए, चंद्रबाबू नायडू के मुंह से जोर की आवाज भी कभी नहीं निकलती, और उन्होंने इतना जबरदस्त पैकेज ले लिया। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए मांगे थे इनसे आके, और उन्होंने वर्चुअली 1,00,000 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। लेकिन ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है ना। संजय, चालाकी ये की गई है, बजट में केवल उसमें घोषित 15,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। तकरीबन वो जो पुलावरम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में भी केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ेगी। कितनी मदद करनी पड़ेगी वो अंक अभी सामने नहीं आया है, फिगर अभी सामने नहीं आया है। तो विशाखापट्टनम से चेन्नई तक का जो कॉरिडोर बनना है वो फिगर अभी सामने नहीं आया है। उन्होंने सब केंद्र सरकार से वायदे ले लिए हैं, अगर उन सबको मिला लिया जाए तो हो सकता है उनका पैकेज 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का निकले। मोदी जी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने रहे हर हालत में, बहुत बुरी स्थिति। और राष्ट्रीय, हम लोग सोचते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी जी से जो है वो संघर्ष कर रहा है या उनको वो अपनी बात मनवाना चाहता है, उनको झुंझुना थमा दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि सरकारी कर्मचारी शाखाओं में अब जा सकते हैं। हाँ। और वो संघ वाले बहुत खुश हैं। स्वास्थ्य तरकीब आती है मोदी जी को मैनेज करने की, मैनेज करने की तरकीब तो संघ को मैनेज, संघ को झुंझुना थमा सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को झुंझुना थोड़ा थमाया है उन्होंने, माल दिया थमाया है उनको, तो उनको तो उन्होंने सोना चांदी से भरी हुई थैलियां थमाई हैं। सही बात, लेकिन बाकी देश के लिए तो ये ठीक नहीं है ना कि बाकी राज्यों को आप क्या होगा कि बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा। आप उत्तर प्रदेश से एक बड़ा ब्लो बैक होगा, महाराष्ट्र से एक बड़ा ब्लो बैक होगा, और देश के दूसरे राज्यों से आप इस अनुपात में आप दूसरे राज्यों को नहीं दे सकते। जब आपने दो राज्यों को इतना ज्यादा दे दिया, इवन भाजपा शासित राज्यों, अब उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है भाई। सही बात है। अब आप मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, कह सकते हैं कि नाराज भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, योगी नाराज है तो नाराज मान सकते हैं। नाराज राज, देखिए इन हर चीज का जो राजनीतिक प्रभाव होता है वो दिखाई पड़ने में समय लगता है।
ऐसा नहीं कि उन्होंने ये काम किया और तुरंत जगह जगह से विद्रोह बगावत की आवाज आ रही है, ऐसा नहीं होता। ये कोई रहस्य रोमांच भरी कहानी नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, इनके असर देर में दिखाई पड़ते हैं। ठीक बात है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझना चाहिए। और इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में है, इस बजट ने उसको और भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंचा दिया है। अब आप देखिए, मोदी जी का बजट कहता है कि मुद्रा योजना में जो 10 लाख का लोन था उसको हम 20 लाख का लोन हमने कर दिया। तो आप सब लोग कह रहे हैं बात तो अच्छी है, लेकिन लोगों की आंखें बंद हैं, लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं पूरी बात को। देखिए, जब मुद्रा योजना लागू हुई थी तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग, छोटे स्तर के सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए की गई मुद्रा योजना थी। ये मुद्रा योजना के तहत सीधे सीधे कर्ज नहीं मिलता था, लेकिन जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, ऐसे बैंक हैं और दूसरे वित्तीय संस्थाएं हैं, मुद्रा योजना उसके जरिए बिना कोलेटरल के यानी बिना जमानत के छोटे कर्ज लोगों को देती थी। कर्ज मुद्रा योजना में 3 किस्म के थे। एक कर्ज था शिशु कर्ज, दूसरा था किशोर कर्ज और तीसरा था तरुण कर्ज, तरुण ऋण। 3 तरह के ऋण थे। शिशु ऋण में 50,000 तक का ऋण मिलता था, किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण मिलता था, और तरुण ऋण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलता था। 2021-22 तक इस योजना का क्या इंपैक्ट हुआ, क्या असर हुआ, इसके अध्ययन मौजूद है, और वो अध्ययन गूगल में टाइप करें वहां भी आपको दिख जाएंगे। उन अध्ययनों को आप देखिए, 2021 के अंत तक इस योजना के तहत 31 करोड़ लोगों ने कर्ज लिया, लेकिन उसमें 95% लोग ऐसे थे जिनको केवल शिशु वाला लोन प्राप्त हुआ, उन्होंने और किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। यानी औसतन एक व्यक्ति को 51,000 रुपया कर्ज मिला। जो किशोर लोन और जो तरुण लोन था उसको लेने वालों की संख्या बहुत ही कम थी। अब आपने बढ़ोतरी किसने की है, जो तरुण कर्ज है, तरुण ऋण है, उसकी 10 लाख से 20 लाख कर दिया। 10 लाख का लोन किसी ने नहीं उठाया तो 20 लाख का लोन कौन उठाएगा? सही बात है, बैंक देते नहीं है। बैंक लेने भी जाओ तो इतनी फॉर्मेलिटी करते, कहने को है कि बिना गारंटी वाला, बैंक देने को राजी नहीं है, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, मना कर देते हैं बिना गारंटी के, कौन है। अब जैसे उन्होंने एक उन्होंने योजना घोषित की है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो उसकी पहली तनख्वाह जो है ना, वो 1 लाख रुपए तक की पहली तनख्वाह जो है वो सरकारी खजाने से सब्सिडी के तौर पे दी जाएगी। ये बजट में घोषणा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी? ये कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत जबरदस्त रूप से छटनियों का दौर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी उद्योग हैं वो बहुत ही जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अभय जी, इतना बुरा हाल है हमारे संस्थान में, MBA इंजीनियरिंग किए हुए लड़के 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए आते हैं, 12,000 रुपए की नौकरी करने आते हैं, MBA भी किया, इंजीनियरिंग भी किया। ये हाल है, बड़ा तरस भी आता है देखकर कि कितने पैसे खर्च किए होंगे, MBA किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, 12,000-13,000 रुपए की नौकरी मिल जाए उनको, इसलिए परेशान रहते हैं। और ये देखिए, 12,000 की इसको नौकरी मिल जाएगी, वो तो पार्टी करता है जाके, क्योंकि उसे लगता है उसकी शादी वादी भी हो जाएगी अब, या कोई लड़की भी उसके साथ प्रेम करने लगेगी, उसके पास 12,000 की नौकरी है। 12,000 की लड़की नौकरी करेगी, 12,000 की कुल मिलाकर दोनों 25,000 रुपए महीने कमा लेंगे। बहुत बुरा हाल है वाकई, ये स्थिति है जब देश में ये जो स्थिति है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल ये न तो रोजगार की समस्या को संबोधित कर पा रहे हैं, न ही जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। अब जब दो राज्यों को आपने इतना दे दिया है, दूसरे राज्यों को आप कुछ देंगे ही नहीं, तो क्या होगा, उनको क्या प्राप्त होगा? तो कुल मिलाकर पूरे अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जब निर्मला सीतारमण बजट बनाने बैठी थी, निर्मला सीतारमण को पता था कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बाजार है हमारा, यानी जहां पे लोग फैक्ट्रियों में माल बनता है तो बाजार में बिकता है,
इस बाजार में मंदी आई हुई है, अभी से नहीं मुद्दतों से मंदी चल रही है। ये कहा जाता है कि इसको एनीमिया हो गया है मार्केट को, चीजें बन रही हैं, वो स्टोर वो वेयर हाउस में रखी हुई है, बिक नहीं रही है। जो फैक्ट्रियां हैं केवल 70-75% की क्षमता पर काम कर रही है, 100% माल का उत्पादन नहीं कर रही है, 70-75% उत्पादन हो रहा है वो भी 100-100% नहीं बिक पाता है। तो आप निजी क्षेत्र से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो नई कैपेसिटी स्थापित करेगा। जब नई कैपेसिटी स्थापित नहीं करेगा तो नई नौकरियां नहीं देगा, वो नई नौकरियां नहीं देगा तो ये एक महीने की सब्सिडी सरकार किसको देगी? सही बात है, हाँ नई नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो पूरा का पूरा मामला जो है बजट एक झांसा है। अब ये जो झांसा है वो इसलिए देना पड़ा मोदी जी को क्योंकि ये नायडू और नीतीश को झांसा नहीं दे सकते थे। हाँ सही बात है, सरकारी सरकारी रोटी पुटी, वरना वो उनकी कुर्सी खींच लेते, अगली बार बजट करने पेश करने लायक ही नहीं रहते, 40 सीटों के साथ में विपक्ष में बैठते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, यही हाल होता। लेकिन एक बात समझ, 4 महीने बाद महाराष्ट्र का चुनाव है, मुझको लग रहा था कि बिहार की तरह और आंध्र की तरह महाराष्ट्र में, बिहार का चुनाव तो अगले साल अक्टूबर में होगा, उसका तो होगा नहीं, तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में चुनाव सिर पे है तो महाराष्ट्र में भी बम बम करेंगे, पैसे की बारिश करेंगे। लेकिन देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये अभी इनको बहुत जबरदस्त ब्लो बैक कई महाराष्ट्र से हो गई, उत्तर प्रदेश से होगा, दूसरे तमाम राज्यों के जो 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 भाजपा विरोधी राजनीतिक शक्तियां हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे। अखिलेश ने पहले ही से उठाना शुरू कर दिया इसको, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने उठाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मोदी जी की महाराष्ट्र नापसंद मुहिम चल पड़ी है, उन्होंने नाम भी दे दिया है इसको, महाराष्ट्र नापसंद मुहिम। हाँ बात भी सही है, महाराष्ट्र के उद्योग उठा उठा के गुजरात ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में चली गई, तो महाराष्ट्र के लोग तो वैसे ही बहुत नाराज हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री होती, जीएसटी का टैक्स मिलता और रोजगार मिलते, सब उठा के गुजरात चले गए। और संजय राउत तो बड़े तीखे तीखे बयान भी दे देते हैं कि कह देते हैं वो यहाँ तो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी पैदा हुए थे, औरंगजेब गुजरात में पैदा होते हैं, वो तो और लाइन आगे की लंबी खींच देते हैं। तो ये चुनाव है संजय राउत जो है वो कहते हैं ना औरंगजेब तो गुजरात से पैदा होते हैं, तो महाराष्ट्र बनाम गुजरात ये संघर्ष तो पहले भी चलता रहा है। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में भी नजर आया ये मुद्दा कि लोग नाराज थे कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री उठ के गुजरात में चली गई है। तो क्या लगता है आपको कि ये अभी जो विधानसभा का चुनाव आया है इसमें ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा कि महाराष्ट्र को नापसंद करते हैं मोदी जी? देखिए स्थायी, अब ये मुद्दा बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ के बाकी सभी जगह के लिए स्थायी मुद्दा बन चुका है। मोदी जी ने इस बजट से बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा विरोधी शक्तियों को एक स्थायी मुद्दा दे दिया। हर जगह इन्हें इस चीज का सामना करना पड़ेगा, झूठ बोलने में माहिर है, हर जगह झूठ बोलेंगे, गलत सलत आंकड़े देंगे, तमाम कहीं हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, लेकिन बेरोजगारी की समस्या में 0.001% भी कमी नहीं होगी। अच्छा मेरे को समस्या अभी तक उन्होंने मानी नहीं कि है, वो तो मानेंगे। भाषण में निर्मला सीतारमन ने महंगाई के ऊपर एक वाक्य बोला है केवल। मुझे तो दूसरी बात और लग रही है चिंता वाली कि आने वाले 5 सालों में हजारों लाखों अग्निवीर इकट्ठे हो जाएंगे, उनका क्या होगा? घर पे बैठने के लिए आ जाएंगे और सेना से वापस कर दिए गए होंगे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आए होंगे और बेरोजगार होंगे, घर पे बैठेंगे। वो एक लंबी चौड़ी देश में जो फौज होगी, जो आर्मी से ट्रेंड होकर आई होगी, फिर वो फौज क्या करेगी? अब उसके लिए ये लोग दिखा रहे हैं कहीं 10% उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, कहीं कुछ आरक्षण दे दिया जाएगा, इस तरीके से पहले तो वो शुरू में ये जो उनके सामने टुकड़े फेंकने की बात कही गई है, इधर उधर भटकेंगे, यहाँ नौकरी मिल जाएगी, वहां अप्लाई करेंगे, किसी दूसरी जगह अर्जी देंगे वगैरह, और उसके बाद 6-7 महीने साल भर बाद जब नहीं होगी तो उसके बाद फिर वो उदासी और निराशा के दौर में जाएंगे। और ऐसी स्थिति में एक जो प्रशिक्षित शरीर से मजबूत नौजवान है वो कुछ भी करने की स्थिति में आ सकता है, बड़ी एक सामाजिक अराजकता का खतरा है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। अच्छा भाई जी, आप ये सोचिए कि थोड़ी देर को माइंडसेट ये देखिए, आप मोदी जी के खुद को रख के देखिए, मोदी जी के पास इसके अलावा विकल्प था भी क्या? क्या करते? सरकार चलानी है तो नायडू और नीतीश जितना मांगेंगे उतना देना है, वरना विकल्प क्या था इसके अलावा? मुझे लगता है कि ज्यादा झुक गए उनके सामने,
मेरा मानना ये ज्यादा चुके, मोदी जी को ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि भाई इनको अगर 1,00,000 करोड़ रुपए चाहिए तो हमें 5 साल के दौरान देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए। अगर बिहार को 60,000 करोड़ रुपए चाहिए तो एक ही साल में पहले बजट में क्यों दे देना चाहते हैं? क्योंकि दूसरी जो बजट की अर्थव्यवस्था की जरूरतें हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन लोगों ने बहुत जबरदस्त सौदेबाजी की और मोदी जी उनके सामने झुक गए, डर गए। मोदी जी ठीक से सौदेबाजी नहीं कर पाए। मोदी जी 240 सीटों की जो उनकी मजबूती है, निश्चित रूप से मजबूती है, एक गठजोड़ सरकार में अगर एक घटक के पास 240 सीटें हो और बाकी लोग केवल 32 सीटों का योगदान कर रहे हो सब मिला के, तो वो बहुत मजबूत हुआ भाई। देखो 10 साल सरकार भी चला चुके हैं, ऐसी बात नहीं। मंत्रिमंडल में सारे लोग तो उन्हीं के भाजपा के भरे हुए हैं, सारे बड़े बड़े पदों के ऊपर। ऐसी स्थिति में उनको चाहिए था कि बहुत अच्छी तरह बार्गेनिंग करते और लोगों को न्यूनतम देने की कोशिश करते, बिना तोड़े हुए, बिना गठजोड़ तोड़े हुए न्यूनतम देते। इन्होंने उनको 100% दे दिया। हाँ, ये नुकसान हो गया। जाहिर है कि आने वाले राज्यों के चुनाव आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी गठजोड़ सरकार कैसे चलाई जाती है ये उन्हें नहीं पता है। और गठजोड़ घटक जो होते हैं, गठजोड़ के घटकों से कैसे निपटा जाता है ये उनको नहीं पता है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश और अगर मान लीजिए इनको 25 जितना मांगा था उसका 25 या 30% अगर देते हैं मोदी जी, ये छोड़ के थोड़ा चले जाते सरकारी। सही बात है, तो रहते तो यहीं पे, इसी में रहते। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मोदी जी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की। मजा आया अभय जी बात करके, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और बात कर रहे थे कि देश के हालात क्या हैं और हालात के बाद में बजट की स्थिति क्या है। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।